नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीता विलेज ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्तों, आज है ललही छठ। तो ललही छठ हम लोग बहुत ही विधि विधान से मनाते हैं और इसकी विधि भी हम चैनल पे डाल के रखे हुए हैं, जो कि आप लोग काफ़ी पसंद किए हुए हैं, आप लोग ज़्यादा प्यार दिए हुए हैं। इसके लिए हम सोचते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ ललही छठ का परम्परा हम आप सभी के बीच शेयर करते चले जाएँगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे और हमारे पूरे फैमिली की तरफ से ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए फटाफट हम दिखाते हैं कि क्या क्या लिए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी थाली सज चुकी है, जिसमें से हम यहाँ पर लिए हुए पीली रंग की साड़ी। आप साड़ी किसी भी कलर का ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर कलर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लगाना है, आँचल के जो कोना वाला होता है इधर ही लगा कर तैयार कर। इसके बाद हम यहाँ पर लिए हैं धूप काठी और कपूर, और उसके बाद यहाँ पर लिए हैं सिंगार की चूड़ी, मेहंदी, कंघी, बिंदी, सिंदूर और ये सब रबड़ वगैरह लिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिए हुए बिछुआ। इसके बाद यहाँ पर हम लिए हुए काजर पालने वाला कजरौटा। ये हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है, हम लोग हर ललही छठ पर लेकर जाते हैं, इसमें काजर बना के ले आते हैं और अपने बेटा लोग को लगाते हैं, घर में सभी लोग लगाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर फूल भी ले लिए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम फल में लिए हुए हैं नारियल, जो कि माना जाता है कि नारियल के बिना कोई भी पूजा शुभ नहीं होता है। और सेब लिए हुए हैं, केला लिए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम हल्दी पाउडर लिए हुए हैं। हल्दी को हम ढेर सारा वहाँ ललही छठ के बीच में ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पर हम लिए हुए हैं 12 कसोरा, जिसमें से हम महुआ, चावल और दही सभी कसोरे में भर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम भैंस के घी से दिया बाती बना के रख लिए हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे महुआ चावल अलग से रख लिए हैं, इसका हम हवन करेंगे। भैंस के दूध, दही और घी चढ़ाया जाता है, गाय का कोई भी सामग्री नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम गंगा जल लिए हुए हैं, तो गंगा जल में हम भैंस का दूध कच्चा मिला लिए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर महुआ की पत्ती लिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के दिन जो है महुआ की दातनी किया जाता है और ब्रश वगैरह नहीं करते हैं हम लोग, तो ब्रश नहीं किए थे, महुआ की दातनी किए हुए थे। तो महुआ की जितनी पत्तियाँ हैं इसको हम धो के रख लिए थे। सभी कसूरे इस तरीके से ऐसे ढक देंगे, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सभी को पूरा विधि विधान देखना होगा तो हमारे चैनल पर है, देख सकते हैं। तो सभी कसूरों को हम इस तरीके से ढक लेंगे।